नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। अक्सर आपको रेड लाइट जंप करने पर जब पुलिस वाला रोकता होगा, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर, ट्रैफिक पुलिस की चालान की पर्ची आपके हाथ में होती होगी, तो आप देखते होंगे कि प्रेस का स्टिकर लगी हुई गाड़ियां उन्हीं नियमों को तोड़ते हुए बड़े सर्राटे से आपके अगल बगल से निकलती चली जाती हैं, जिनको तोड़ने के लिए आप पर जुर्माना लगाया जाता है। देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के मामले में एक न्यूज चैनल पर लगे बैन को अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ने वाले लोग असल में उसी प्रेस का स्टिकर लगी गाड़ी के ही दबाव में, जिसमें बैठने वाले सबको सबके लिए बने नियम कायदे सिखाना चाहते हैं, लेकिन खुद को हर नियम कायदे से वो ऊपर समझ लेते हैं। भारतीय मीडिया सेंसरशिप का विरोध तो करती है, लेकिन देश की सुरक्षा और संप्रभुता को ताक पर रखने से नहीं चूकती, और राजनीतिक पार्टियां गलत को गलत कहे जाने पर मौके का फायदा उठाने के लिए कूद पड़ती। हम चाहते हैं आज पूरा देश इस सवाल पर गंभीरता से विचार करे। अगर भारत के किसी एयरबेस पर हमला हुआ और इस दौरान दुश्मनों को एयरबेस में मौजूद हथियार, वहां तैनात लड़ाकू विमान, रॉकेट लॉन्चर्स, मोर्टार और हेलीकॉप्टर के बारे में बताया जाए, तो क्या ये देश की सुरक्षा के लिहाज से सही है? क्या मीडिया को अपनी रिपोर्टिंग में ऐसी जानकारियां रिवील करने की इजाजत दी जानी चाहिए? और अगर कोई मीडिया देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर ऐसी खबरें दिखाए और ऐसे न्यूज चैनल को एक दिन के लिए बंद करने को कहा जाए, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए काला दिन होगा? बेशक ये कोई इमरजेंसी नहीं है जिसमें हम टीवी पर बैठकर सरकार के इस फैसले पर डिबेट करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सिर्फ एक दिन के लिए एक टीवी चैनल को छोड़कर सारे अखबार, सारी पत्रिकाएं, सारे टीवी चैनल वैसे ही चलेंगे जैसे चलते हैं। लेकिन कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए काला दिन? क्या कांग्रेस 1975 से 1977 का दौर भूल गई है, या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि जो इंदिरा गांधी ने किया था वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन ही था? देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में केबल टीवी एक्ट क्या कहता है? मीडिया को सेल्फ सेंसरशिप के लिए दी गई NBSA का कोड क्या कहता है? हर पहलू आज आपके सामने रखेंगे ताल ठोक के। जिस प्रकार से प्रेस की आजादी पर कुठाराघात हो रहा है, जिस प्रकार से NDTV चैनल को बैन कर दिया गया है, जिस प्रकार से असम में भी एक और टीवी चैनल को बैन किया गया है, जिस प्रकार से पढ़ने, लिखने, देखने, इन सब की आजादी को एक एक करके, चाहे वो कलमकार हों, चाहे वो टेलीविजन के हमारे मित्र हों, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो साहित्यकार हों, चाहे वो राजनीतिक दल हों, उन सब पर जो हमला बोला जा रहा है अभिव्यक्ति की आजादी पर मोदी सरकार के द्वारा, उसकी घोर और कठोर निंदा कांग्रेस कार्य समिति ने की। देखिए, देश की सुरक्षा का ठेका सिर्फ एक पार्टी के पास नहीं है, पूरे देश के पास है, और इस देश के अंदर चार चीजों से सरकार चलती है, देश चलता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और फोर्थ स्टेट यानी मीडिया, जिसमें आप लोग शामिल हैं। इन सब की अपनी अपनी एक आज़ादी है और उसका ध्यान रखना चाहिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। मीडिया की स्वतंत्रता के पक्ष में हम हैं, पर देश की सुरक्षा वो सर्वोपरि है, और वो लोग कम से कम ये प्रश्न न करें जिन लोगों के शासनकाल में मीडिया की क्या हालत बना रखी गई थी। देश में मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया था। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, देश बड़ा है या बोलने की आजादी? दूसरा सवाल, क्या मीडिया के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होनी चाहिए? तीसरा सवाल, क्या दुश्मन को रास्ता दिखाना अभिव्यक्ति की आजादी है? चौथा सवाल, इमरजेंसी थोपने वालों को अभिव्यक्ति की याद क्यों आई? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, आखिर क्यों शहादत की कीमत पर बोलने की आजादी दी जाए? तो आपको बता दें, आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, यूपी में देवरिया के रुद्रपुर से कांग्रेस के विधायक भी हैं।
सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं, वैसे पीएचडी हैं, डॉक्टरेट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आरएसएन सिंह हमारे साथ हैं, वो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मामलों के एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं और एशिया पाकिस्तान के सामरिक हालात पर वो दो किताबें लिख चुके हैं, कॉलमिस्ट हैं। स्वागत है आरएसएन सिंह आपका। और हमारे साथ कुमार अमिताभ हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई मीडिया संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं, अब भी कई पत्रिकाओं के लिए लेख लिखते हैं और टीवी प्रोडक्शंस भी करते हैं। स्वागत है कुमार अमिताभ आपका भी। सबसे पहले मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या इमरजेंसी के हालात लगते हैं आपको देश? कतई नहीं। कोई भी गलती, खासकर देश के प्रति अगर अपराध करता है तो सजा मिलना लाजमी है और वो होना चाहिए। जिस ढंग से चैनल्स या मीडिया हाउसेस इस पर गिरोहबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल उचित नहीं लगता। मैं पत्रकार हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं देश की सुरक्षा खतरे में डाल दूँ। आपको लगता है कि जिस चैनल को लेकर चर्चा हो रही है उसने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला? बिल्कुल, बहुत स्पष्ट है। इस बारे में जब हम भी रिपोर्टिंग किया करते थे आज से 20 साल पहले, तो हम इस बात का हमेशा ध्यान रखते थे कि सुरक्षा, जो देश की सुरक्षा है, वो खतरे में नहीं आए। और जो पुलिस की स्ट्रेटेजी जो होती है, पुलिस की या आर्मी की या और फोर्सेस की स्ट्रेटेजी जो होती है, वो ओपन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद जो है उसको संभालना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है और बहुत हाईटेक है। जरा जरा सी गलती पे आप मात खा सकते हैं। और मुंबई हमले के दौरान आपने देखा था कि जिस ढंग से मीडिया कवरेज हो रही थी, मीडिया को फिर बार किया गया और बताया गया कि डिफॉल्ट आप टेलीकास्ट करें, क्योंकि हमने नुकसान देख लिया था। उसके बाद भी अगर हम इस तरह की हरकत दोबारा करते हैं तो हम देश से बड़े नहीं हैं। अगर हमने गलती की है तो हमें सजा मिलनी चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी को क्यों लगता है कि देश में इमरजेंसी के हालात हैं? देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है निष्पक्ष रूप से सोचती है, वो भक्तों के तरह से चिंतन नहीं करती है। और जो भी निष्पक्ष चिंतन करेगा उसे चीज़ें ठीक से महसूस भी हो जाया करेंगी। अगर आप किसी को कवरेज के लिए बता रहे हैं कि राष्ट्र को खतरा हो गया और उसी सब चीज़ को खुद आप पाकिस्तान के आईएसआई को हेड को बुला करके और पूरा घुमा रहे हो, खूब तीमारदारी कर रहे हो, बड़ी खातिरदारी कर रहे हो, उसको जिस आईएसआई के ऊपर हजारों लाखों हिंदुस्तानियों के खून का ललाट रंगा पड़ा है, उस आईएसआई चीफ को जिसके खिलाफ आप पानी पी पी के गाली देते थे, अब हमारे सुविधा के राष्ट्रभक्तों की मैं बात कर रहा हूँ, उसको आप बुला करके उसी पठानकोट का सब निरीक्षण करा रहे हो, इसका जवाब दे किसे है? जो दुश्मन है उसे अपना आप सब दिखा रहे हो। और बात देखिए, बात बहस कुछ भी हो सकती है, हम करें आप करें, अपना अपना पक्ष हर कोई बताएगा, लेकिन लोग समझ रहे हैं, समझने में किसी को फेर नहीं है। लोग जान रहे हैं कि कौन क्या है, किस कारण से किस पे बैन है, कौन सही है और क्या बहाना है। नहीं समझ रहे आप, बता दें, कुछ बचा नहीं है सर, लोग नहीं समझ रहे हैं, आप बता दें। आपको बोलने का सिर्फ, हाँ वही ना, कि सिर्फ बोलने का अधिकार है बीजेपी या माननीय मोदी जी को, पूछने का अधिकार कभी दिया उन्होंने किसी को? आप लोग पिछले 20 साल से 18 साल से कोई बताए, एक बार लंदन में छोड़ करके कभी किसी को मोदी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या पूछने का अधिकार किसी को मिला? आज जवाब दे लोगों से, अगर सवाल नहीं होंगे अभी तो फिर लोकतंत्र क्या है? अभी जो जवाब दे, हम आप बहस कर रहे हैं, यही तो लोकतंत्र है सर, सर। आप अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपना हाँ, पक्ष रख रहे हैं, यही मैं कह रहा हूं कि आप और मैं टीवी पे बहस कर रहे हैं सर, क्या मोदी, आप और मैं टीवी पे बहस कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं इमरजेंसी लगी मोदी जी से, आपकी तो उम्र हो गई है सर, नंबर एक, आपने वो 1975 से 1977 के 2 साल भी देखे होंगे जी, आपकी तो उम्र हो गई है, आपने वो 2 साल देखे होंगे जिसमें 250 पत्रकारों को सर गिरफ्तार कर लिया था कांग्रेस की सरकार ने, 51 फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स को डिसएक्रेडिटेड कर दिया गया था कि आप घुस नहीं सकते हिंदुस्तान में, 29 के लिए तो दरवाजे बंद कर दिए थे पूरी तरह से, और 7 को बाहर कर दिया गया था, वो थी सर इमरजेंसी। मैं जवाब दे रहा हूं, या ये है कि हम टीवी पे बैठ के बहस कर रहे हैं और कह रहे हैं इमरजेंसी है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, सुनिए, पहले मैं कानूनी पहलू पे बता दूं, इमरजेंसी एक कानूनी पहलू है,
लेकिन इसके बावजूद भी हमसे यदि कभी गलतियां हुई हैं, चूक हुई हैं, ज्यादतियां हुई हैं, हमने खेद व्यक्त किया, शर्मिंदगी की है, माफी मांगी है। कब माफी मांगी सर? इमरजेंसी पे हुए हैं हम। आप माफी कब मांग चुके हैं इमरजेंसी पे सर? जस्टिफाई करने का हम उसको जस्टिफाई करने का काम नहीं करते हैं। आप मान रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी गलत लगाई थी? काम नहीं करते हैं आप? मानते हैं इंदिरा गांधी ने गलत फैसला किया था इमरजेंसी लगाने का? बहुत बार कहा जा चुका है, सर मुझे बहुत बार पे नहीं जाना सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो दर्शक आज टीवी देख रहे हैं सर, पता कर लीजिए, उनके लिए आपसे आज पूछ रहा हूँ। जर्नलिस्ट हैं आप? जर्नलिस्ट हैं सर? मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए आज पूछ रहा हूँ, क्या आप मानते हैं इंदिरा गांधी का फैसला गलत था? वो लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन था भारत के। हम आज आपसे पूछते हैं, सर आप पूछने नहीं, आप बताने आए हैं। क्या माननीय मोदी जी से सवाल नहीं, सर आप बताने आए हैं। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, पूछ रहा हूँ। हम पूछने भी आए हैं। क्या आप मानते हैं इंदिरा गांधी का फैसला गलत था इमरजेंसी लगाने का देश में? हमारा काम, क्या कांग्रेस पार्टी आज उसके लिए माफी मांग रही है? क्या आज CWC में उसको लेके राहुल गांधी ने शर्मिंदगी जाहिर की है और उसके बाद ये हौसला दिया है कि आप लोग जाइए और डिफेंड कीजिए टीवी चैनल को? आप सुनिए 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 सर, सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो मैं बोलूं सर, आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। देखिए मैं एक ही सवाल दोहरा रहा हूं, जवाब क्या दे रहा हूं। आप आज माफी मांग रहे हैं? सुनिए, बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने गलत किया था। सुन लिया? अरे सुन लिया मत दोहराइए, दे रहा हूं मैं, दोहरा दे रहा हूं, जब दोहराइए मत। मैं विपक्ष में हूं और जनता को और विपक्ष को सत्ता में बैठे लोगों से प्रश्न करना ही काम है। सर आप सवाल कीजिए ना, मैं कहां रोक रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैं प्रश्न कर रहा हूं। अरे भाई पहले मैंने सवाल किया उसका जवाब तो दे दीजिए। आपने ISI के चीफ, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब तो दे दीजिए। जब मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा आपके सवाल का जवाब वो देंगे। उसका जवाब दसियों साल पहले, मैं आपसे सवाल का जवाब मांग रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो लोग आज टीवी देख रहे हैं, बहुत बार आ चुका है अखिलेश प्रताप सिंह, जो लोग आज टीवी देख रहे हैं। सर मैं सीनियर नहीं हूं, मैं पैदा ही नहीं हुआ था इमरजेंसी के टाइम, मैं आपको आज बता दे रहा हूं। सर मैं कोई सीनियर पत्रकार नहीं हूं, मैं कोई सीनियर पत्रकार नहीं हूँ। सर मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था इमरजेंसी के टाइम, मुझे केवल इतना बता दीजिए आज क्या अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस टेलीविजन पर ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने गलत फैसला किया था? जो चीज बोली जा चुकी है सर, आपको रिपीट करने में क्या आपत्ति है? जो चीज अगर बोली जा चुकी है रिपीट कर दीजिए, कोट कर दीजिए सर किसी को। अरे आप पता कर लीजिए सर, कोट कर दीजिए ना किसी को। फिर क्यों बैठे हैं लैंकरिंग करने? सर बस ठीक है, मैं समझ गया सर, समझ गया सर, मैं फिर क्यों आए? बस सर समझ गया, समझ में आ गया सर, सबको करके आया सर, सबको समझ में आ गया। मैं कह रहा हूं मैं जीरो तैयारी से हूं। आप बताइए क्या इंदिरा गांधी का फैसला गलत था? मनोहर, मेरे पास गूगल नहीं चलता सर, मैं नहीं देख सकता सर। आप बताइए क्या कांग्रेस पार्टी मानती है इंदिरा गांधी का फैसला गलत था? और अगर आपकी हिम्मत नहीं है ये कहने की अखिलेश प्रताप सिंह, तो आप वापस जाइए, आपको डिफेंड करने की कोई स्कोप नहीं बचता। इमरजेंसी लग गई देश में, कहने का कोई अधिकार नहीं आपके पास। अरे देखो यार, मैं तो सिर्फ इसलिए आता हूँ सर, मैं तो जी टीवी आते हैं, सबको समझ में आता। दो ही सेकंड में मैं आपको धो सकूं जी, आपके झूठ को, उस झूठ को मैं बेनकाब कर सकूं। आप सारा झूठ बेनकाब कर देते अगर एक सवाल का जवाब दे देते मेरे, कि क्या इंदिरा गांधी ने इस देश पर इमरजेंसी गलत लगाई थी? आप मानते हैं कहानियां सच? क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है जब इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी गलत लगाई थी? करना कांग्रेस पार्टी मानती है इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी गलत लगाई थी? मैं जानकारों को जवाब क्या कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी ने जानकारों को जवाब कांग्रेस पार्टी मानती है इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी गलत लगाई थी? मैं जानकारों को जवाब देता हूं सर, मैं जानकारों को जवाब देता हूं, सबको सिखाने नहीं आया सर। आप पूछ लीजिए, कांग्रेस को हक है, जानकार पूछ रहे हैं सर आप, पठानकोट में सर जानकार पूछ रहे हैं आपसे, कांग्रेस को हक है तो सुन लीजिए, चीफ को पठान जिसने जानकार पूछ रहे हैं आपसे, ज्यादा बाल है उनके चेहरे और सिर पे, उनसे सुन लीजिए जरा सवाल, पठानकोट में क्यों बताइए सर, जिसने सारे देश को इमरजेंसी के में धकेल दिया था उसे हक है इस तरह की बातें करने का? कोई हक है आपको इस तरह की बातें करने का? पहले बताओ, जिसने सारे देश को बांध के रख दिया था काले पर्दे में, वो एक चैनल पर और उसकी गलती के लिए, सर सर उसके ऊपर कोई गैर कानून प्रतिबंध नहीं है। ज्ञानी नजर आता है मुझे, एक आपको भक्त नजर आता है, आप जाने कहां से निकल के आए हैं? कोई बात नहीं सर, देश के दर्शक देख रहे हैं अखिलेश जी, कोई बात नहीं, देश के दर्शक देख रहे हैं, ठीक है मेरी बात, ठीक है सर, हो गया सर, हो गया, हो गया सर, हो गया, हो गया। रोज आप रोते गाते हैं सर कि समय नहीं मिला, आज
पहले 10 मिनट में आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। सुधांशु त्रिवेदी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। जो सवाल उन्होंने उठाए तो मेरा दे नहीं रहे सर, उनका जवाब देते हुए आईएसआई चीफ को आपके सवाल पूछ रहा हूं। अखिलेश जी, आप ही का सवाल जा रहा था। अखिलेश जी, बार बार रिपीट करने से इंदिरा गांधी के किए पर आप पर्दा नहीं डाल पाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी, उनके सवालों का जवाब देते हुए देखिए, एक चीज जो उन्होंने उठाई और दूसरा जो मैं पूछ रहा हूं सर, कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ और अभिव्यक्ति की आजादी में अंतर, क्या हम राहुल गांधी से पूछेंगे या अखिलेश प्रताप सिंह से पूछेंगे? देखिए, मैं इस विषय का जो तकनीकी पक्ष है और जो अखिलेश सिंह जी ने प्रश्न उठाया आईएसआई वगैरह, दोनों का उत्तर दूंगा। जहां तक एनडीटीवी के तकनीकी पक्ष की बात है तो यह बात बहुत स्पष्ट है कि फुटेज में जो बात आई थी, जैसे एक वाक्य में बताता हूं, उसमें कहा गया है कि आतंकवादी हथियारों के डिपो के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, यदि वहां पहुंच गए तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। अरे भाई, यह वाक्य बोलने की क्या आवश्यकता है? कहीं ना कहीं मतलब आप मैसेज दे रहे हैं, यदि उनको ना भी पता हो तो वह हथियारों के डिपो के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। ये बोलने की क्या आवश्यकता है कि वहां पर MiG-21 और MI-6 और इसी ढंग के हेलीकॉप्टर हैं, उस क्षेत्र के आसपास टेक्निकल एरिया में पहुंच जाएं? तो हेलीकॉप्टर और प्लेन के स्पेसिफिकेशंस की क्या आवश्यकता थी रिपोर्टिंग में? खैर, उस पर जो तकनीकी निर्णय हुआ उस पर मैं ये कहना चाहूंगा, यह सरकार ने पहली बार किया है क्या? 2005 में यह एक्ट आने के बाद यूपीए सरकार के शासनकाल में 21 बार चैनलों को ऑफ एयर किया गया, 21 टाइम। अब एनडीटीवी के ऊपर आप आइए तो एनडीटीवी पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनडीटीवी पे यूपीए सरकार के शासनकाल में 7 या 8 नोटिस गए हैं। 2011 में गया है, सितंबर 16/11/2010 को गया है, 21 सितंबर 2005 को गया है, 10 जनवरी 2006 को गया, भिन्न भिन्न कारणों से। कोई उनका चैनल ऐसा उसके सीरियल ऐसा चल रहा था, कहीं कोई ऑब्सीन तस्वीर दिखाने के बारे में है, कहीं आसाम में संवेदनशील रिपोर्टिंग के बारे में है। तो मेरा प्रश्न तो उल्टा है कि आपकी उनके ऊपर इतनी कृपा दृष्टि क्यों थी कि जब आपकी सरकार 1, 2 नहीं 7-8 नोटिस दे चुकी थी फिर भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की, और हमने तो एक प्रतीकात्मक कार्रवाई की और उस पर आपको आपत्ति नजर आ रही है। तो यह अपने बात अपने आप में बात तर्कसंगत नजर नहीं आती है। तो अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, जो उन्होंने आईएसआई वाली बात कही। तो देखिए, डिप्लोमेटिक पक्ष और मीडिया पक्ष अलग है। यदि हम इस रूप में चित्रण करें अखिलेश जी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शिमला समझौते में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुल्फिकार अली भुट्टो, जो भारत के को बर्बाद करने की कसम खाए थे, उसको बुलाकर मेहमान नवाजी करके 90,000 सैनिकों के साथ बगैर कश्मीर सुलझाए दे दिया था? क्या यह कहना ठीक है क्या? नहीं, भुट्टो को एक रणनीति के तहत बुलाया गया था और जिसके तहत शिमला समझौता हुआ, उसी रणनीति के तहत टीम आई थी जिसमें कि एक सदस्य थे। तो इन दोनों बातों को आपस में मिलाना सही नहीं है। और तीसरा बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए आपने इमरजेंसी की बात कही, इमरजेंसी में तो बहुत बात कही गई, मैं तो उसके बाद का याद दिलाना चाहता हूं, स्वर्गीय राजीव गांधी के समय में जब इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने उनसे प्रश्न पूछने शुरू किए थे, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ताला लगवाया था कि नहीं, बोलिए हां कि नहीं, वहां के तत्कालीन संपादक अरुण शौरी को गिरफ्तार करवाया था कि नहीं, बोलिए, राजीव गांधी की सरकार एंटी डिफेमेशन बिल लाई थी कि नहीं, जिसके लिए लंबा मार्च निकला था और आखिर में उनको बाध्य होकर अपने कदम पीछे घसीटने पड़े थे। तो आप लोग, तो मैं ये कहना चाहता हूं बनाना चाह रहे हैं कि आपका तो बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, हमारी बात तकनीकी और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से सही। आप लोग एनडीटीवी को इंडियन एक्सप्रेस बनाना चाह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जिसे मैं किसी भी प्रकार से उचित और तर्कसंगत नहीं मानता हूं। और यह भी याद दिलाना चाहता हूं, इमरजेंसी के टाइम में तो किशोर कुमार के गाने प्रतिबंधित कर दिए थे भाई, क्योंकि संजय गांधी के एक प्रोग्राम में नहीं गए थे। न्यूज तो छोड़िए, एक फिल्मी कलाकार का गाना ऑल इंडिया रेडियो पर नहीं जाएगा। इसलिए यह बात तकनीकी दृष्टि से भी गलत है और राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस का यह प्रश्न उठाना सर्वथा अनुपयुक्त और हास्यास्पद है। ठीक है, आरएसएन सिंह, क्या न्यूज चैनल्स के लिए, खास तौर पे ऐसे समय में जब कोई आतंकवादी हमला चल रहा हो, हालांकि मैं एक याद दिला दूं कि एक एनबीएसए बनी है, उसने मीडिया कोड दिया है, एक केबल टीवी नेटवर्क रूल्स 2015 में अमेंड हुआ वो भी बनाया। मैं छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स बता के आपके पास सवाल ले रहा हूँ। केबल टीवी नेटवर्क एक्ट कहता है, लाइव कवरेज ऑफ एनी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस शुड नॉट बी टेलीकास्ट, मीडिया कवरेज शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू पीरियोडिक ब्रीफिंग बाय एन ऑफिसर डिजिग्नेटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टिल सच ऑपरेशन कंक्लूड्स। इसके बाद एनबीएसए का कोड कहता है, डोंट गिव लाइव कवरेज ऑफ होस्टेज क्राइसिस, ब्लॉक इन्फॉर्मेशन दैट मे हेल्प टेररिस्ट, डोंट डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ होस्टेजेस, विदहोल्ड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन रेस्क्यू ऑपरेशंस, अवॉइड लाइव कॉन्टैक्ट विद विक्टिम्स एंड विद सिक्योरिटी पर्सनल एंगेज्ड इन रेस्क्यू ऑपरेशंस इन 26/11 लाइक सिचुएशंस, अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ आर्काइवल फुटेज विच में एजिटेट द माइंड्स ऑफ व्यूअर्स। सर, ये सारी बातें लिखे होने के बाद भी एक, क्या आपको लगता है कि टीवी चैनल्स इनको फॉलो करते हैं? दो, क्या
मीडिया के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होनी चाहिए कि प्रेस का स्टिकर लगा तो हर रेड लाइट तोड़ते चले जब मर्जी। नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और ये एक जिस चैनल का जिक्र हो रहा है, ये इस चैनल को बहुत ही पता नहीं क्यों बड़ा इनको लोग इनसे इतने स्मिटन थे कि कारगिल की लड़ाई में भी एक जो आपको मालूम है एक शख्स ने अपनी पूरी करियर वहाँ से चमकाया। और अगर आप मुझसे पूछें तो वो उसका भी बहुत दुष्परिणाम हुआ था। आप फ्रंट लाइन से ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे आर्टिलरी के गोले गिर रहे हैं। और किसी भी दुश्मन को ये पता लगाना कि आर्टिलरी के मेरे जो गोले हैं वो सही जगह पर पहुँच रहे हैं कि नहीं, अगर कोई टीवी चैनल बताने लगे तो पता नहीं, मुझे कभी कभी शक भी होता है। क्योंकि फिर उसी चैनल ने, आपने देखा होगा ऑपरेशन पराक्रम में वो माइन फील्ड लगे हुए थे और माइन फील्ड में वो वही पत्रकार जाने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे कि माइन फील्ड का अलाइनमेंट यहाँ से है। फिर आर्मी हेडक्वार्टर से उन पर बड़ी फटकार लगाई गई तो उनको वापस होना पड़ा। फिर जब ये अभी हमला हुआ था, ये मुंबई 26/11 का, वहाँ आपने सब देखा कि क्या हुआ। तो देखिए, ये मैं आपको बता दूँ, आप अगर मान लीजिए अमेरिका को मॉडल मानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को एक डेमोक्रेसी का मॉडल मानते हैं, तो एक भी जब भी इराक की वॉर चल रही थी या वॉर इन अफगानिस्तान चल रहा था, कोई अखबार, कोई टेलीविजन चैनल एक शब्द भी अपने सरकार के पॉलिसी के खिलाफ या कार्रवाई के खिलाफ नहीं लिख रहा था। और मैं लोगों को बता दूं कि एक अमेरिका के प्रेसिडेंट होते थे FDR, रूजवेल्ट जो थे वो पोलियो स्ट्रिकन थे और व्हील चेयर पे चलते थे। बड़ी मुश्किल से उनको उठा के चलाया जाता था, क्रच पे चलते थे। लेकिन उनके 10 साल की से ज़्यादा की उनकी प्रेसिडेंसी थी, उस समय 2 टेन्योर से ज़्यादा अलाउड था, ठीक है। पूरी अमेरिका की जनता को इस बात का एहसास नहीं होने दिया वहाँ की मीडिया ने कि उनका प्रेसिडेंट जो है वो पोलियो स्ट्रिकन है और क्रचेस पे चलता है, ठीक है। तो ये कहीं पे देखिए, मुझे इस बात को एक चीज़ मैं बता दूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत इल्म है कि भावलपुर से आम पाकिस्तान से आते थे ट्रक में और किन किन से किन किन पत्रकारों के पास जाते थे। और वो वही है, वही ब्रिगेड जो वो अमन की आशा वाली ब्रिगेड, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं कि क्यों इतना लगाव। हर ये खास करके इस चैनल का जिसका आप जिक्र कर रहे थे, इसका कुछ ज़्यादा ही लगाव रहा है वहाँ पे। ठीक, बहुत तरह की र्यूमर्स तो बहुत है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ ठीक ठीक किस तरह के इनके कनेक्शन हैं, क्या हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कदम उठाया गया है, इसको एक इसको इतनी इतने नैरो पर्सपेक्टिव में ना देखा जाए। ये एक तरह का एक और उन्हें सरकार ने तो लगाई नहीं है, आपकी अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि हर डेमोक्रेसी में होती है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं इसमें क्यों लोगों को तकलीफ हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रही है बात। ठीक है ठीक है, ब्रेक के बाद हम अखिलेश जी से पूछते हैं क्यों तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने खेद जताया इमरजेंसी पर, कांग्रेस पार्टी ने माफ़ी मांगी इमरजेंसी पर। मेरे पास ये 11 जुलाई 2016 का प्रिंट है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार का प्रिंट है। अखिलेश जी, आप चाहें तो इंटरनेट पर ढूंढ लीजिएगा, कांग्रेस के बड़े नेता हैं सलमान खुर्शीद, और हेडलाइन दिया अखबार ने, व्हाई शुड कांग्रेस अपोलोजाइज फॉर इमरजेंसी, आस्क सलमान खुर्शीद। He said there was no need of going back into history as the government of the time did what it felt was necessary. और अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस पर माफी मांगी है। अगर नहीं मांगी है तो आज उनके पास मौका है, क्या वो उस माफी को आज दोहराएंगे? और अगर नहीं दोहराते तो इस देश को 2 साल तक इमरजेंसी के अंधेरे में ढकेलने वाली पार्टी पर क्या ये अधिकार है कि वो एक चैनल पर प्रतिबंध को इमरजेंसी की तरह घोषित कर दे और देश के लोगों को बरगलाए।